हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा था जो ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सदैव तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। अगर प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो वो भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा और उन्हीं तरंगाग्रों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं के अग्र पृष्ठ पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है और पृष्ठ भाग पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इससे पूर्ववर्ती तरंगाग्र प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किसी भी तरंगाग्र की स्थिति के आधार पर इससे नए बनने वाले तरंगाग्र को या इससे पहले वाले तरंगाग्र की स्थिति को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइगेन की इस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की एक्सप्लेनेशन जो कि समतल सतह के बारे में है। हमने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन बेसिकली क्या होता है? किसी भी परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना जिस माध्यम से होकर प्रकाश आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और समतल सतह से परावर्तन का जो नियम है वो दो नियम अपने पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट लॉ यह है कि हमेशा ही आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही सिद्ध करेंगे कि प्रकाश जो है वो हमेशा तरंगाग्र के रूप में मूव करता है और ये परावर्तन को ही एक्सप्लेन करता है। और परावर्तन को एक्सप्लेन करने का मतलब है कि ये परावर्तन के नियम को वैलिड करता है, परावर्तन के नियम की पालना करता है। यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस बाय प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में या तो परावर्तन की एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है या अपवर्तन की एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है। इस पूरे चैप्टर में मैं कई बार ये बात डिस्कस करूंगा कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वास्तव में पूरा चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 9 मार्क्स बनाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो लगभग 20% है 56 मार्क्स का। तो काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। स्पेशली इस चैप्टर में भी काफी सारे टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम परावर्तन की एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, मान लेते हैं कि हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है समतल परावर्तक पृष्ठ, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई समतल परावर्तक पृष्ठ है जिसका अपन नाम दे देते हैं एम एन, और इस समतल परावर्तक पृष्ठ पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है कुछ इस प्रकार का, ये मान लेते समतल तरंगाग्र है और इस तरंगाग्र का अपन नाम दे देते हैं ए बी। क्लियर, इस समतल तरंगाग्र पर तरंगे जो है वो इसके लंबवत दिशा में ट्रैवल करती है। तो हम तीन तरंगे कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये वाली तरंग, दूसरी यहां पे मान लेते हैं और तीसरी यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस पर तीन तरंगे अपन ने मानी है या तीन रेखाएं अपन ने मानी है जो इसके लंबवत है, एक दो और तीन। एक समतल तरंगाग्र दे रखा है ए बी जो इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, और यहाँ पे रेखा एक दो और तीन इस समतल तरंगाग्र पर अभी लंबवत रेखाएं हैं
मतलब तरंगाग्र की गति को, तरंगाग्र के मोशन की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है गाइस कि हाइगेन की द्व्यूहक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि इस समतल तरंगाग्र ए बी पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो प्रत्येक बिंदु से द्व्यूहक तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी जो ट्रैवल करेगी आगे। तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि बिंदु बी से उत्सर्जित द्व्यूहक तरंगिकाएं या तरंगाग्र जो है वो टी समय में सीधे ट्रैवल करेगा और टी समय में इस बिंदु पर आ जाता है बी डैश। ठीक है, हमने क्या माना कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या करेगा, द्व्यूहक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा और ये द्व्यूहक तरंगिकाएं आगे मूव करेगी। तो बिंदु बी से जो द्व्यूहक तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही है वो मान लेते हैं टी समय में प्रकाश की चाल से अगर गति करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी डी बराबर आ जाएगी चाल इंटू समय। मतलब यहाँ से यहाँ तक टी समय में ये कितनी दूरी तय करेगी, सी टी दूरी तय करेगी और बिंदु बी डैश पर आती है। ठीक है, यहाँ इससे पहले अपन एक अभिलंब बना देते हैं। तो देखिए इस बिंदु पर अगर मैं एक अभिलंब बनाऊँ तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, आपतित किरण है अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण आई कहते हैं। क्लियर, ये आपतन कोण आई हो गया। ओके, अब यहां पे देखिए ये वाला बिंदु बी से उत्सर्जित तरंगाग्र या द्व्यूहक तरंगिकाएं टी समय में सी की दूरी तय करके बी डैश पे आ जाती, उतने ही समय में इस बिंदु ए से उत्सर्जित तरंगिकाएं जो है इतनी ही दूरी ट्रैवल करेगी। लेकिन चूंकि ये बिंदु ए जो है वो इस दर्पण पर है, मतलब इससे उत्सर्जित तरंगिकाएं जो है वो दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तित होकर कितनी दूरी तय करेगी, इतनी ही सी टी दूरी तय करेगी। तो मान लेते हैं ये परावर्तित होती है यहाँ से और यहाँ पहुंच जाती है बिंदु ए डैश पर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये कितनी ट्रैवल करती है, सी टी, क्योंकि समान माध्यम है, समान समय है तो समान दूरी तय करेगी और ये कहाँ पर आ जाती है, ए डैश पर। इस ए डैश और बी डैश को अगर हम मिला दें एक सरल रेखा द्वारा, तो इस ए डैश और बी डैश को एक सरल रेखा द्वारा अगर मिला दिया जाए तो ये परावर्तित तरंगाग्र को शो करेगी इस प्रकार से। थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं हम इसको, ये मैंने मिला दी। तो हम क्या देखते हैं कि कोई समतल तरंगाग्र ए बी इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, एक दो और तीन इस पर अभिलंबवत तीन किरणें हैं। बिंदु प्रत्येक बिंदु इस समतल तरंगाग्र का एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो द्व्यूहक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। बिंदु बी से उत्सर्जित तरंगाग्र या तरंगिका टी समय में सी टी दूरी ट्रैवल करती हुई बी डैश पर आएगी, इतने ही समय में इतनी ही चाल से इतनी ही दूरी ट्रैवल करती हुई ए से उत्सर्जित तरंगिकाएं कहाँ पर आएगी, इस दर्पण से परावर्तित होकर ए डैश पर आएगी। तो इससे परावर्तित होकर ये कहाँ पर आ गई, ए डैश पर। ए डैश और बी डैश को मिलाए तो हमें परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होगा। तरंगाग्र किस तरह से परावर्तित हुआ, तरंगाग्र इस तरह से इस पर आपतित हुआ और इस तरह से इस पर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। मतलब तरंगाग्र ऐसे आया और इससे परावर्तित होकर ऐसे चला गया, यह आपतित तरंगाग्र है और ये परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, अब ये परावर्तित तरंगाग्र को भी हम इन विकिरणों एक दो और तीन के अभिलंबवत डायरेक्शन में मान सकते हैं। कैसे, ये किरण जो जा रही है इससे इस किरण को अपन नाम दे देते हैं वन डैश, फिर ये जो किरण यहाँ पर आपतित होगी आपतित होने के बाद इससे परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद वापस इसके किस डायरेक्शन में जाएगी, अभिलंबवत डायरेक्शन में जाएगी, इसको टू डैश कह देते हैं। और बी से उत्सर्जित तरंगिका यहाँ पर आपतित होने के बाद जब परावर्तित होगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसके अभिलंबवत डायरेक्शन में वापस। ठीक है, इस किरण को अपन क्या नाम दे देते हैं, थ्री डैश। तो हमने क्या देखा, ये भी वापस इसके अभिलंबवत ही होगी तीनों किरणें जो परावर्तित तरंगाग्र के डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पर अभिलंब अगर हम बना देते हैं दूसरा अभिलंब, ये N2 है और ये पहला अभिलंब N1 है। तो देखिएगा इस परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, R, स्मॉल R। तो डायग्राम को एक बार वापस अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं, डायग्राम बेसिकली क्या है, देखिए एक समतल सतह है, इस समतल परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है ए बी, जिस पर तीन किरणें हैं एक दो और तीन जो इसके अभिलंबवत है। ये समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु जो है वो स्वयं एक नए स्रोत की तरह कार्य करते हैं हाइगेन की द्व्यूहक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो बी से उत्सर्जित तरंगाग्र, प्रत्येक बिंदु से तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, मैं बी से मानता हूँ, बी से उत्सर्जित कोई तरंगाग्र टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, टी समय में तय की दूरी बराबर आएगा सी इंटू टी, जहाँ सी प्रकाश की चाल है।
इतने दूरी ट्रैवल करके ये कहां पे आ जाएगा, बी डैश पर। इतने ही समय में ए से उत्सर्जित तरंगिका जो है वो इतनी ही दूरी ट्रैवल करके इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर कहां पे आ जाएगी, ए डैश पर। इस ए डैश और बी डैश को एक सरल रेखा से अगर मिला दिया जाए तो ये परावर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करेगी, मतलब तरंगाग्र इस तरह से आपतित हुआ और इस तरह से इससे क्या हो गया, परावर्तित हो गया। क्लियर। इस किरण दो को भी अपन हम यहाँ पे समतल परावर्तक पृष्ठ पर डाले तो ये इसे इस प्रकार से परावर्तित होगा। तो हम देखते हैं कि आपतित तरंगाग्र जो है वो एक दो और तीन के अभिलंबवत है और परावर्तित तरंगाग्र किरण 1-2-3 के अभिलंबवत ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एंगल और अपन देख लेते हैं। समझिए, ये पूरा एंगल जो मेरे पास दे रखा है गाइस, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है और इसमें से अगर ये आई माइनस कर दिया जाए तो ये मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आई। क्लियर। उसके बाद ये पूरा एंगल वापस मेरे पास 90 डिग्री है, उसमें से ये 90 माइनस आई होगा तो ये मेरे पास जो बचने वाला एंगल होगा ये पूरा एंगल वापस कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली ये पूरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री दे रखा है जिसमें से ये आर माइनस कर दे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आर। और ये पूरा एंगल वापस 90 है उसमें से ये 90 माइनस आर गया तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना बचेगा, ये वाला एंगल मेरे पास बचेगा स्मॉल आर। क्लियर है। देख लीजिए वापस हमने क्या देखा, यहाँ पर आपतन कोण आई है यहाँ से यहाँ, ये पूरा एंगल 90 है तो बचा एंगल कितना आएगा, 90 में से आई को माइनस करेंगे। ये पूरा एंगल वापस 90 है तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस करेंगे तो बच जाएगा आई, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ठीक है। इसी तरह से परावर्तन कोण ये आर है, ये पूरा एंगल 90 है तो बचा एंगल कितना आएगा, 90 माइनस आर। ये पूरा 90 है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा, स्मॉल आर। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, और अगर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा तो ये परावर्तन के नियम का पालन कर रहा होगा। क्लियर है। तो हम इसमें त्रिभुज लेते हैं गाइस, कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं देखिए आराम से। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे गाइस, ए बी बी डैश पहला त्रिभुज और दूसरा है ए ए डैश बी डैश दूसरा त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ए बी बी डैश ए बी बी डैश व त्रिभुज ए ए डैश बी डैश ए ए डैश बी डैश, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहली बात यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ए डैश भी कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी बी डैश ए बी बी डैश किसके बराबर है, एंगल ए ए डैश बी डैश, एंगल ए ए डैश बी डैश के बराबर है और इन दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो ये पहला मेरे पास एंगल आ गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में देखिए ये जो है ए बी बी डैश, इसमें ये भुजा कितनी दे रखी है, सी टी दे रखी है, इस भुजा की लंबाई सी टी है, मतलब बी बी डैश भुजा की लंबाई सी टी है। तो ये तो मैंने पहले कोण दिया, दूसरा हम क्या लेते हैं भुजा। तो हम क्या देखते हैं बी बी डैश का मान किसके बराबर है, सी टी के बराबर है और इस त्रिभुज ए ए डैश बी डैश में इस ए ए डैश का मान भी कितना है, सी टी के बराबर है। तो इसका मान जो है वो ए ए डैश के बराबर है, मतलब ये कौन सा आ गया मेरे पास, साइड आ गया। तीसरी हम क्या बात देखते हैं, त्रिभुज ए बी बी डैश में ये वाली भुजा ए ए बी डैश और इस त्रिभुज में भी ये वाली भुजा ए बी डैश, दोनों में ये कॉमन है। तो हम तीसरी इसमें क्या देखते हैं, अगेन भुजा कौन सी, ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ये दोनों में मेरे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइड। तो यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता लगेगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। हम क्या देखते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। अगर इनमें दो भुजा और एक कोण समान है तो मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो हम क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी बी डैश जो है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए ए डैश बी डैश के। और हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समान होती है और संगत कोण भी समान होते हैं। इस स्थिति में
इसका कोण जो है कौन सा, बी ए बी डैश, ये वाला कोण। इस स्थिति में हम क्या देखेंगे, इस स्थिति में कोण बी ए बी डैश, बी ए बी डैश का मान किसके बराबर आना चाहिए, ए डैश बी डैश ए के बराबर, कोण ए डैश बी डैश ए के बराबर, कोण बी ए बी डैश का मान किसके बराबर है, आई के बराबर, मतलब ये आ जाएगा एंगल आई, और ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए ये किसके बराबर है, आर के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा कोण आर। इसका मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या आएगा, बराबर। और यही परावर्तन का क्या है, नियम है, यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण का जो मान है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये समतल तरंगाग्र जब समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये परावर्तन के नियम का पालन करता है, और अगर परावर्तन के नियम का पालन करता है मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में ही उत्सर्जित होता है, क्योंकि तरंगाग्र जो है वो परावर्तित होता है और ये परावर्तन के नियम का भी पालन करता है। तो इस डेरिवेशन से हमें ये पता चलता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि किसी भी समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या इस तरंगाग्र के कॉन्सेप्ट से पॉसिबल है, मतलब वास्तव में किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में ही ट्रेवल करता है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।